हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट में मैंने एपिसोड में आपको क्ले की रेसिपी बताई थी। अब उसी क्ले से मैं आपको एक डेकोरेटिव एलिफेंट बता रही हूँ, जिसको आप किसी भी पॉट में भी एज ए यूज़ कर सकते हैं या वॉल हैंगिंग भी। तो अभी मैं उसको बनाना दिखा रही हूँ आपको, कैसे बनाना है देखिए। सबसे पहले हम क्ले लेंगे जो मैंने बताया था, वही हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ मैं। क्ले वो जो बनाया था उसी को लिया है। ऊपर से फ्लैट रखेंगे कि स्क्वायर शेप दी है। लेके चार पीसेस कर लेंगे। सबसे पहला पीस हम उसके फर्स्ट लेग के लिए बेसिक पहले उसको कर लेंगे, फिर हम शेप देंगे। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और बाकी का पार्ट हम उसका आगे का सूट वगैरह बनाने के लिए रखेंगे। अब इसको कैसे असेंबल करना है पहले आप ये देखिए। इस तरह के टूल या नाइफ आप यूज कर सकते हैं, इस तरह की भी नाइफ आप यूज कर सकते हैं, और ये कॉम और पेन भी एज ए टूल आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी असेंबलिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करनी है। पानी की हेल्प भी लेंगे हम, उसको शार्प और नीटनेस देने के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी फेविकॉल ऐड किया हुआ है, बाकी कहीं पे हम बाद में फेविकॉल नहीं ऐड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर ही उसको शेप देते हैं। पैरों के नीचे को राउंड शेप देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट हो वो निकालते जाएंगे। कैसे शेप देना ये देखिए, कर्व कैसे देंगे वो देखिए। सेकंड लेग पे आ रहे हैं, इसको इधर से शेप देंगे। अब आगे का फेस और सूंड वगैरह बनाएंगे, उसके लिए फिर हम क्ले लेंगे।
उनको थोड़ा कर्व शेप पे ऐसे करेंगे। और अब डिटेलिंग करेंगे, इसको एक बार और पानी से कर लेंगे, बाकी काम अब डिटेलिंग का बचा है। एलिफेंट का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है, उसके बाद डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग के लिए आप फेविकॉल की हेल्प लेके ही सारे पार्ट स्टिक करिएगा, नहीं तो वो इतना मजबूत नहीं होते। सबसे पहले थम ईयर के लिए थम से उसको ऐसे प्रेस करके ईयर की शेप देंगे। इसके बैक के लिए बैक का कवर बनाना है। आप और भी किसी चीज से, मेरे पास ये था तो मैं इससे कर रही हूँ, आप किसी भी चीज से उसको थोड़ा पतला पतला बेल लीजिए और इसको स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए। वैसे तो डिजाइन आ गई है, लेकिन थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे। अब एलिफेंट की टेल के लिए, ये भाई होममेड क्ले है जो हम लोगों ने बनाया था, देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है। फेविकॉल का यूज करते रहिएगा ताकि कोई भी पार्ट निकले ना बाद में। छोटी छोटी डिटेलिंग और उसकी उसको ब्यूटीफाई करेंगे। इस तरह से मैंने ये किया हुआ है, इससे हम एलिफेंट की कैप बना रहे हैं, उसके सर पे जो फ्रंट पार्ट को पे रहेगी डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही हम इसका टीथ का भी डिटेलिंग करेंगे। बाकी पानी लगा के स्मूथ करके जहाँ कर्व हो वहाँ पर स्क्वायर जरूर बनाइएगा, इस तरह से ट्रायंगल। पैरों पे भी
इस तरह से। अब लास्ट में पैरों का पार्ट रह गया है। ऐसे पतला पतला रोल बना लेंगे लंबा, और उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ डिटेलिंग करनी है मैं उसकी फेविकॉल लगा रही हूँ। काफी पतला मैं बेल रही हूँ, आप लोग देख लीजिए इसको। मैंने ये जो कट किए थे इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के डॉट डॉट ऐसा रख रही हूँ। ये डिजाइन हम इसके पैरों पे भी देंगे। ऐसे मैं पतला रोल बेल रही हूँ। ये अब फाइनल इसका पूरा रेडी है। इस तरह से हम यहाँ पे भी इसके पैरों पे भी ऐसे डिटेलिंग कर देंगे। ये ऑलमोस्ट डन है, और जहाँ जहाँ आपको कर्व दिख रहे हैं वहाँ एक एक बार और उस पर नाइफ से थोड़ा शेप दे देंगे, ताकि और
सुंदरता बढ़ जाए इसकी और नीटनेस आ जाए। ये ऑलमोस्ट डन है। आप डिटेलिंग ऐसे नाइफ की हेल्प से या किसी भी चीज़ से दे सकते हैं। इस तरह से ये ऑलमोस्ट डन है। हम इसका इस तरह से आप एलिफेंट और भी आर्टिकल ब्यूटीफाई करके किसी भी चीज़ में इसको स्टिक कर दीजिए। आगे मैं इसका वॉल हैंगिंग या कोई भी और पॉट या कोई डिटेलिंग लाऊंगी तो आपको शेयर करूंगी इसको मैं कैसे आगे यूज़ किया जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।